नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 3 अगस्त। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अब चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 57,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 1 अगस्त को जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार 2,762 नए प्रभावितों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 57,270 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 29, अरवल में 14, औरंगाबाद में 53, बांका में 29, बेगूसराय में 59, भागलपुर में 170, भोजपुर में 50, बक्सर में 66, दरभंगा में 67, पूर्वी चंपारण में 83, गया में 91, गोपालगंज में 75, जमुई में 29, जहानाबाद में 44, कैमूर में 37, कटिहार में 90, खगड़िया में 74, किशनगंज में 11, लखीसराय में 4, मधेपुरा में 33, मधुबनी में 81, मुंगेर में 46, मुजफ्फरपुर में 59, नवादा में 36, नालंदा में 119, पटना में 460, पूर्णिया में 80, रोहतास में 117, सहरसा में 94, समस्तीपुर में 83, सारण में 72, शेखपुरा में 36, शिवहर में 7, सीतामढ़ी में 62, सिवान में 59, सुपौल में 51, वैशाली में 131, पश्चिम चंपारण में 45। वहीं बिहार में कोविड-19 की वजह से अब तक 36,637 मरीज ठीक हो चुके हैं और अब तक 322 लोगों की जान जा चुकी है। ज्योतिषी ने रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर ही राखी बांधने की दी नसीहत। रक्षाबंधन का त्यौहार आज यानी कि 3 अगस्त को मनाया जाना है। रक्षाबंधन का यह त्यौहार बेहद ही खास रहने वाला है। रक्षाबंधन के अलावा आज सावन पूर्णिमा, वेद माता गायत्री जयंती और सावन का 5वां और अंतिम सोमवार भी है। बिहार में 24 घंटे में हुए रिकॉर्ड तोड़ जांच। बिहार में जिस रफ्तार से कोविड-19 संक्रमण को बढ़ते देखा जा रहा है, वैसे में बिहार सरकार लगातार जांच की संख्या को बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। इसी क्रम में बिहार में हर बीतते दिन के साथ रिकॉर्ड तोड़ जांच करवाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 1 अगस्त को 35,619 सैंपल की जांच की जा चुकी है, जिसमें 2,762 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 24 घंटे में 1,064 लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो गए हैं, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने दी है। वीडियो के माध्यम से उन्होंने आगे यह भी बताया कि बिहार में संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं रिकवरी रेट घटकर अब 64% हो गई है। बिहार में अभी 20,310 मामले एक्टिव हैं, वहीं कुल मिलाकर 6,12,015 लोगों के सैंपल की जांच की जा चुकी है। आज बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र का होगा आयोजन। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र की बैठक सोमवार को आयोजित करवाई जानी है, जो कि पटना के ज्ञान भवन में आयोजित करवाई जाएगी। कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए विधानमंडल भवन में संक्रमण के कारण केवल एक दिन का यह सत्र बुलाया गया है और इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल, IG संजय सिंह समेत पटना के तमाम अधिकारियों ने ज्ञान भवन में तैयारियों का जायजा लिया है। ज्ञान भवन में सुरक्षा के इंतजाम सहित अन्य तरह की सुविधाओं का अधिकारियों ने निरीक्षण भी किया है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में IPS अधिकारी मुंबई के लिए हुए रवाना। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बिहार पुलिस ने बड़ा फैसला सुनाया है, जिसके तहत बिहार पुलिस के DGP गुप्तेश्वर पांडे ने अब इस मामले की जांच का जिम्मा IPS अधिकारी विनय तिवारी को दे दिया है। जांच को आगे बढ़ाने के लिए पटना सिटी के SP विनय तिवारी मुंबई पहुंच गए हैं। बीते दिन भी बिहार पुलिस की तरफ से कई बातों का खुलासा किया गया है, जिसके तहत सुशांत सिंह जिन सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे उनमें से कोई भी उनके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं था। उनमें से एक सिम उनके दोस्त सिद्धार्थ पठानी के नाम पर रजिस्टर्ड था। अब कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड की जा रही है। नीतीश सरकार की 9 अगस्त को 2.5 करोड़ पेड़ लगाने का रिकॉर्ड नहीं होगा पूरा। पृथ्वी दिवस के मौके पर इस बार राज्य सरकार की तरफ से 2.5 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाएगा, जिसकी जानकारी बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दी है। पिछले कई सालों से समारोह आयोजित कर पेड़ों को राखी बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लिया जाता था, मगर इस बार कोविड-19 के संक्रमण की वजह से बड़े पैमाने पर आयोजित करना इसे संभव नहीं हो पाएगा। ऐसे में हर व्यक्ति रक्षाबंधन के दिन अपने परिसर और आसपास के पेड़ों को राखी बांधकर वृक्षों की रक्षा का संकल्प लेंगे और वृक्ष व पर्यावरण के प्रति अपना लगाव को दर्शाएंगे। बाढ़ प्रभावित इलाकों में NDRF की 23 टीम लोगों को बचाने का कर रही है काम। बाढ़ से निपटने के लिए NDRF की 2 टीम बीते दिन पट्टा पहुंची थी। इन दोनों में से एक को समस्तीपुर और दूसरी टीम को वैशाली जिले में भेजा गया था। पटना के बिहटा स्थित 9वीं बटालियन NDRF के कमांडेंट विजय सिन्हा ने इस बात की जानकारी भी दी है और बताया है कि बिहार राज्य में बाढ़ से निपटने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की मदद के बाद इस समय NDRF की कुल 23 टीम राज्य के 14 जिलों में तैनात की गई है। 5 टीम सारण जिले में, 2-2 टीम दरभंगा, समस्तीपुर और गोपालगंज जिले में, 1-1 टीम कटिहार, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, पश्चिम चंपारण, सिवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर जिले में तैनात की गई है।
बाढ़ के पानी से मुख्य सड़क टूटने पर गांव के लोगों ने जान हथेली पर रख बनाई बांस की पुल। डुमरसन पंचायत के पदमौल गांव एवं चांद कुदरिया का मुख्य सड़क बाढ़ के पानी से 1 अगस्त को टूट गया, जिसके चलते पदमौल, चांद कुदरिया, आरना और डुमरसन और रोड 44 का संपर्क कट गया। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार यह मुख्य सड़क थी, इसीलिए आवागमन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था जरूरी थी, लेकिन खबर देने के बावजूद प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई। इसलिए दूसरे दिन गांव के लोगों ने अपने स्तर पर आपसी सहयोग और वहां के मुखिया जी शिवजी शर्मा के सहयोग से जान हथेली पर रखकर बांस का पुल तैयार किया, ताकि जरूरी आवश्यकता पड़ने पर आवागमन का परिचालन हो सके। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे गोपाल सिंह नेपाली की। हिंदी और नेपाली के प्रसिद्ध कवि गोपाल सिंह नेपाली की बेहद चर्चित कविता मेरा धन स्वाभिमान कलम उनके व्यक्तित्व को काफी ज्यादा बयां करती है। हमेशा सच्चाई लिखने वाले, राष्ट्र के प्रति समर्पित कवि गोपाल सिंह नेपाली का जन्म 11 अगस्त 1911 को बिहार के पश्चिमी चंपारण के बेतिया में हुआ था। गोपाल सिंह नेपाली हिंदी और नेपाली भाषा के बेहद लोकप्रिय कवि है। उन्होंने मुंबई में हिंदी फिल्मों पर लिए गाने भी लिखे हैं और एक पत्रकार भी थे। उन्होंने रतलाम टाइम्स, चित्रपट, सुधा एवं योगी नामक 4 पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें उन्होंने कई देशभक्ति पूर्ण गीत और कविताएं लिखी है, जिसमें सावन कल्पना, लीनिवा, नवीन कल्पना आदि बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले का समर्थन करने उतरी करणी सेना। सुशांत सिंह राजपूत मामले में इंसाफ की गुहार अब करणी सेना ने लगानी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र सरकार के विरोध में करणी सेना ने एनसीपी कार्यालय को बाहर विरोध किया है। इस दौरान करणी सेना ने एनसीपी कार्यालय के बाहर खूब हंगामा भी किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और रिया चक्रवर्ती के पुतले को भी नुकसान पहुंचाया गया है। इस दौरान राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने काफी ज्यादा विरोध किया है और एनसीपी कार्यालय के मुख्य गेट के ऊपर बने बैनर को भी तोड़ दिया है। दलित नेता कामेश्वर चौपाल राम मंदिर के भूमि पूजन में शामिल होने के लिए अयोध्या हुए रवाना। दलित नेता कामेश्वर चौपाल बीते दिन राम मंदिर के भूमि पूजन में शामिल होने के लिए अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं। इससे पहले विधायक नितिन नवीन समेत कई नेताओं ने उनका अभिनंदन भी किया और उन्हें चांदी के पात्र, पान, सुपारी, अक्षत और नारियल भी भेंट की है। इस दौरान भक्तों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए हैं। वहीं कामेश्वर चौपाल ने बताया है कि भगवान श्री राम के साथ पूरा बिहार संकल्प सीता बिहार की बेटी और राम की शक्ति थी। सीता ने पूर्वजों की कलाई में राखी बांधी होगी और हमारे पुरखों ने भी संकल्प लिया होगा ताकि हर परिस्थिति में हम साथ खड़े होंगे। आज पूरा बिहार संकल्प के साथ खड़ा है। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी के लिखे पुस्तक का बीते दिन मुख्यमंत्री ने किया लोकार्पण। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी द्वारा सियासत में सदाशयता नाम पुस्तक का लोकार्पण बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों करवाया गया है। विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित सियासत में सदाशयता पुस्तक में बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी के विचार, महत्वपूर्ण विषयों पर उनके 3 दर्जन आलेखों और उनके जीवन यात्रा को एक जगह पर लिखा गया है। विजय कुमार चौधरी ने अपने आलेख में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खूबियों और उनके काम का भी उल्लेख किया है। बिग बॉस के फाइनलिस्ट रह चुके दीपक ठाकुर के गांव पहुंचे पप्पू यादव। बिहार के 10 जिलों में बाढ़ से परेशानी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। वहीं अब आपदा के बीच बिग बॉस के फाइनलिस्ट दीपक ठाकुर ने भी अपने गांव के डूबने की खबर साझा की थी, जिसके बाद दीपक ठाकुर ने कई लोगों से मदद की गुहार भी लगाई थी, लेकिन अब तक मदद नहीं पहुंची है। लेकिन दीपक ठाकुर की गुहार सुनकर जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव उनके गांव पहुंच गए हैं। पप्पू यादव मुजफ्फरपुर के प्रखंड के आथर गांव पहुंच चुके हैं, जो दीपक ठाकुर का गांव है। पप्पू यादव ने गांव में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया, साथ ही दीपक ठाकुर से मुलाकात भी की। वहीं पप्पू यादव ने दीपक ठाकुर को आर्थिक मदद भी की है। स्वास्थ्य मंत्री ने पीएमसीएच में 72 बेडों पर ऑक्सीजन पाइपलाइन की सुविधा मुहैया होने की दी जानकारी। बिहार में कोविड-19 संक्रमण बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रहा है। पटना जिला इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। वहीं राजधानी पटना में प्रभावितों की संख्या को देखते हुए पीएमसीएच में 100 बेड का कोविड-19 डेडिकेटेड केयर सेंटर बनाने के बाद बीते दिन से वार्ड के 72 बेड पर पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। बाकी बचे 28 बेड पर ऑक्सीजन पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार आने वाले 2-3 दिनों में कोविड-19 केयर सेंटर के सभी 100 बेड फंक्शनल हो जाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट को लेकर हुए कई खुलासे। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बिहार पुलिस के हस्तक्षेप के बाद लगातार नए खुलासे किए जा रहे हैं, जिसके बाद उनके पिता द्वारा दिए गए बयान में उनके बैंक अकाउंट से हुए छेड़छाड़ की बात अब सही साबित हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से 30 दिन में 5 बार पूजा के लिए पैसे निकाले गए हैं। बैंक डिटेल्स के मुताबिक सुशांत ने साल 2019 में पूजा के नाम 1 महीने के अंदर 3 लाख रुपए निकाले थे। मिली जानकारी के अनुसार 14 जुलाई 2019 को पूजा के नाम पर 45,000 निकाले गए थे। इसके बाद 22 जुलाई को 55,000 और 36,000 निकाले गए थे। वहीं 2 अगस्त को 86,000 जबकि 8 अगस्त को 11,000 निकाले गए थे। इसके बाद 15 अगस्त को एक बार फिर से पूजा कराने के लिए 60,000 की निकासी की गई थी।
बिहार के सरकारी चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाएगा 1 महीने का अतिरिक्त वेतन। बिहार के सभी स्वास्थ्य कर्मी कोविड 19 के इस माहौल में लगातार अपना काम कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कोविड 19 संक्रमण के दौरान स्वास्थ्य विभाग के सभी चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने के वेतन के सामान्य प्रोत्साहन राशि दिए जाने का फैसला सुनाया गया है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य के सभी चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों के मनोबल को बनाए रखने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में 1 महीने के मूल वेतन या मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है। प्रोत्साहन राशि हेतु चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मी एवं स्वास्थ्य विभाग अन्य कर्मी द्वारा कोरोना के रोकथाम एवं चिकित्सा में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया हो उन्हीं को यह राशि दी जाएगी। संजय अग्रवाल ने निजी स्कूल प्रशासन को दिए अहम निर्देश। प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने सभी स्कूल प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस करा रहे सभी स्कूल प्रशासन टीचर से कहा है कि मोबाइल नेटवर्क या अन्य कारणों से छात्र छात्राएं समय पर ऑनलाइन टेस्ट का परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो वैसे छात्र के लिए पुनः टेस्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन लिए जाने वाले टेस्ट परीक्षा के दौरान अभिभावकों की शिकायत मिली है कि नेटवर्क या अन्य तकनीकी कारणों से टेस्ट या परीक्षा समय पर नहीं दे पाने की स्थिति में छात्र को दोबारा टेस्ट या परीक्षा के लिए मौका नहीं देने की बात टीचर्स द्वारा कही जा रही है। बिहार का बीज होम डिलीवरी मॉडल की सराहना। पूरे देश में किसानों को बीज की होम डिलीवरी का बिहार मॉडल पूरे देश में अपनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने बिहार के इस मॉडल की खूब सराहना की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र भेजकर बिहार के इस मॉडल को अपनाने की सलाह भी दी है। इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड 19 के बीज की होम डिलीवरी मॉडल की सराहना की थी। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की आंतरिक सुरक्षा संभाग ने केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को इस संबंध में पत्र भेज दिया है। बिहार बीज निगम किसानों से ऑनलाइन आवेदन के आधार पर बीज की होम डिलीवरी कर रहा है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर से लगाए आरोप। बिहार में कोविड 19 का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं अब कोविड 19 के बढ़ते संक्रमण को लेकर सियासत भी जारी है। इसी क्रम में बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया है, जिसके तहत तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा है कि लगभग 5 महीने बाद जांच संख्या बढ़ाने के बाद यह एंटीजन टेस्ट बढ़ा रहे हैं और आरटीपीसीआर टेस्ट नाम मात्र किया जा रहा है। मैं फिर से आगाह कर रहा हूं कि अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए लोगों की जान के साथ मत के लिए देश जान चुका है कि बिहार के अस्पतालों में मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। चिराग पासवान ने राम मंदिर निर्माण को लेकर दी अपनी प्रतिक्रिया। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने बीते दिन एक के बाद एक ट्वीट जारी किया है। चिराग पासवान ने अपने ट्वीट में कहा कि वंचित वर्ग से आने वाले श्रीराम के परम भक्त माता शबरी के वंशज होने के नाते यह मेरा सौभाग्य है कि मैंने अपने जीत जी पुनः मंदिर का निर्माण देख लिया है। दूसरी ट्वीट में उन्होंने कहा कि आज मंदिर निर्माण के साथ साथ भगवान राम के विचारों को अपनाकर ऐसे समाज का भी निर्माण करना होगा जहां पर कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करता हो। चिराग पासवान ने आगे लिखा है कि माता शबरी के प्रेम को देखते हुए भगवान राम ने उनकी तुलना माता कौशल्या से की थी। राबड़ी आवास के 13 सहायक मिले कोविड 19 पॉजिटिव। बिहार में कोविड 19 का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। राजनीतिक गलियारे में भी लगातार कोविड 19 प्रभावितों का मामला देखने में आ रहा है। जदयू सांसद आरसीपी सिंह के बाद अब कोरोना राबड़ी आवास में भी प्रवेश कर चुका है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पर 13 कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं। इसी घर में राबड़ी देवी के साथ तेजस्वी यादव भी रहते हैं। कर्मचारियों के कोविड 19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद लालू परिवार के अन्य सदस्यों में भी कोविड 19 की समस्या बढ़ गई है। अमित शाह के कोविड 19 की चपेट में आने पर तेजस्वी यादव ने जाहिर की अपनी चिंता। गृहमंत्री अमित शाह के रिपोर्ट बीते दिन पॉजिटिव आने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उनकी तबियत को लेकर चिंता जाहिर की है, जिसके तहत तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर के माध्यम से लिखा है कि भगवान से आपके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने अमित शाह के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उक्त बातें कही है। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने संक्रमित होने की जानकारी बीते दिन खुद साझा की है, जिसके बाद उनसे मिलने आए सभी लोगों की जाँच करवाई जा रही है। बिहार के अभिनेता रवि भूषण ने बॉलीवुड को लेकर दी अपनी प्रतिक्रिया। बिहार के अभिनेता रवि भूषण ने हाल ही में बॉलीवुड को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद बॉलीवुड पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं अब पूर्णिया कस्बा के रहने वाले रवि भूषण ने भी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर बड़ा बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने बिहार के कलाकारों को काफी कुछ झेलने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग तो इस चीज को झेल लेते हैं, लेकिन कुछ लोग सुशांत सिंह राजपूत की तरह झेल नहीं पाते हैं। आपका कोई गॉडफादर नहीं होता है तो उसका ऐसा ही हाल होता है। आईपीएल के आयोजन को लेकर बैठक में कई अहम बातों पर लिया गया फैसला। आईपीएल के आयोजन को लेकर बीते दिन गवर्निंग काउंसिल की अहम बैठक का आयोजन करवाया गया था, जिसके बाद आईपीएल के आयोजन को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया गया है। मेरी जानकारी के अनुसार 13वें संस्करण 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच खेला जाएगा। सभी मुकाबले यूएई के 3 शहर आबूधाबी, शारजहां और दुबई में खेले जाएंगे। यह पहला मौका होगा जब फाइनल वीकेंड में नहीं होगा। इस बार का टूर्नामेंट 53 दिन के बजाय 51 दिन का ही होगा।
इस बार 10 डबल हेडर मैच होंगे। फ्रेंचाइजी टीमों को जितना चाहे उतना कोविड 19 रिप्लेसमेंट दिया जाएगा। फ्रेंचाइजी चार्टर विमान से 27 अगस्त को संयुक्त अरब अमीरात के लिए निकलने वाले हैं। सबसे खास बात यह है कि इस बार भी महिला आईपीएल को जगह दी गई है, जहां चार टीम एक साथ मुकाबला करेंगी। फेसबुक देगा अब यूट्यूब को कड़ा मुकाबला। फेसबुक ऑफिशियल वीडियो कंटेंट के जरिए यूट्यूब को टक्कर देने की तैयारी कर रहा है। सोशल मीडिया कंपनी ने अमेरिका में लाइसेंस म्यूजिक वीडियोस को अपने साथ जोड़ा है। इसके जरिए यूजर अब फेसबुक पर सीधे तौर पर म्यूजिक वीडियोस देख सकेंगे। यह म्यूजिक वीडियोस फेसबुक के बॉस सेक्शन में जोड़े जा रहे हैं। यूजर के म्यूजिक वीडियोस की तरफ बढ़ते इंटरेस्ट को देखते हुए फेसबुक ने इसके लिए एक अलग सेक्शन बनाया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है संदीप जी ऑफिशियल, अशोक कुमार, उजाला चौधरी, अरविंद कुमार, मंडल विकास कुमार, कुमार गौतम, मोहम्मद अनवर, संजीव कुमार, विपिन बॉस, मनीष कुमार, अपू सिंह, सोनू कुमार, दीपक श्रीवास्तव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार बिहार सरकार की तरफ से आईपीएस अधिकारी को भेजे जाने का फैसला सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कितना मददगार साबित होगा? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके साथ ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे नए YouTube चैनल नॉनस्टॉप खबरों को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।